हैं उन पत्रकारों और चैनल को भी मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछने का। ये भारत जोड़ो यात्रा में 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल जी का। कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, हम सीधे सवाल जवाब सेशन में जाएंगे। पहले दैनिक भास्कर से अमित मंडलोय। नमस्ते राहुल जी, इत्तेफाक है कि आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, 56 सीटें बढ़ी थी, 4.6% वोट परसेंट बढ़ा था। उसके बाद सरकार नहीं संभाल पाए थे। आज 28 नवंबर है, एक मोमेंट दिख रहा है, एक मोमेंटम दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा से, इसको बरकरार रखना कैसे संभव हो पाए? भैया मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूं, तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं। बट मैं आपको यह कह सकता हूं कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो ये कहां पहुंचेगी कहां नहीं पहुंचेगी अब कोई नहीं बोल सकता है। धन्यवाद। नई दुनिया से कपीश दुबे, माइक दीजिएगा जल्दी अमरीश। अच्छा, इसमें दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूं और मैं दोहराता जाता हूं कि इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। जो भी चल रहा है, नहीं अजीब सी, आपको अजीब नहीं लगता? तो अजीब सी बात है, इस यात्रा में जो भी चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, जो भी जितना भी चल रहा है, थकान किसी को नहीं हो रही है। आज एक लड़की आई मेरे पास और मुझे उसने कहा कि मैं जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, पहले 15 मिनट मैंने सोचा मैं कैसे चल पाऊंगी, और 15-20 मिनट बाद जो भी मेरे माइंड में थकान थी, जो भी डर था, वो निकल गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नई दुनिया से कपीश। राहुल जी नमस्कार। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके, जिसमें जो गरीब सवर्ण है जिन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाता है उसको आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई थी। लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो आप इस यात्रा में सभी वर्गों को जोड़ने और सभी को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इस यात्रा इस यात्रा के क्लियर लक्ष्य है, मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है उसके सामने खड़े होना, और इसका
इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल दे सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर, भैया मोबाइल हटा दी, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, उसमें मैसेज आते हैं, ऑफ कर दीजिए मोबाइल। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। जो जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। पत्रिका से गोविंद ठाकरे, नमस्ते राहुल जी, मेरा सवाल आपकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। भैया फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, आपका भी वही कर रहा है। जल्दी जल्दी पूछिए, समय निकल रहा है। मेरा सवाल यात्रा से जुड़ा हुआ है, चूंकि आपने पीछे ब्रांडिंग भी लगाई है लेकिन उसमें कांग्रेस का जो सिंबल है वो नहीं है, तो क्या ये उम्मीद करते हैं आपकी इस यात्रा के माध्यम से वो संगठन, गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन जो आपको 2024 में किसी रूप में, आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए, मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी जी जी, तो मेरा सवाल ये था कि इस यात्रा से आगे आपका जो लक्ष्य, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, ऐसा आप उम्मीद करके चलते हैं या भविष्य में? मैं मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी, और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये है, और ये भावना सिर्फ मेयर में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है, कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है, और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है, मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे यह फायदा मिलेगा या यह फायदा मिलेगा, इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी यह मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। दैनिक दोपहर से नवनीत शुक्ला, जल्दी दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद राहुल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए,
उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था, ये सवाल छोटा कैसे था? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ, मतलब इसको आप और लंबा और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंसिटिविटी। आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको अप्रिशिएट करता हूं मैं। नहीं नहीं, एक मिनट, एक सवाल का कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा प्लीज। हाँ जी, सागर चौक से प्लीज। सर, पर्पसेस एंड एम्स ऑफ योर यात्रा हैव बीन वेल कन्वेड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड इट। सागर, वन सेकंड प्लीज। कोई वीडियो नहीं लेगा प्लीज, कोई फोटो नहीं लेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा प्लीज। आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सागर, बट एज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड समथिंग अराउंड 2500 किलोमीटर्स ऑफ यात्रा एंड इन थ्रू सेवन स्टेट्स एंड apart from the after this, what organizational changes you want to be made in your organization? Because second week of the December is very important. Your yatra is gonna enter Rajasthan and result of Himachal Pradesh Gujarat will be delivered on 8th of December. So what organizational changes you want to be made in organization? I don't think we've done 2500 kilometers yet. I think we've done 2000, is that correct? I think we've done 2000. And the spirit of the yatra is to make the country focus on the attempt to change its nature. This country has never been a fearful country. In its worst time, India has had much worse times than now. During the British, we had a much worse time. In its worst time, India was never a scared country. It was a brave country. And the people of India have a particular culture. And this culture is known all across the world. It is a culture of compassion, of respect, of affection. And this is our biggest strength. Nobody thinks that anger, hatred, arrogance are strengths of India. Nobody. You can go and ask anybody. You can ask kisi gaon wale se pooch lijiye, arabpati se pooch lijiye, America ke rashtrapati se pooch lijiye, unse poochiye bhaiya bataiye Hindustan ki strength kya hai? Karuna, भाईचारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यात्रा का यह लक्ष्य है। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, मगर यह इस यात्रा का लक्ष्य पॉलिटिकल नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश का डीएनए क्या है। यह है इस यात्रा का लक्ष्य। अब उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस हो तो होंगे, मगर जिस स्थिति पे आज हिंदुस्तान है, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो देश को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल से और इंटरनली। इसलिए हमने यह यात्रा की है। IBC से वत्सल श्रीवास्तव, प्लीज प्लीज, नो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नहीं नहीं, व्हाट, रिपीट इट प्लीज। IBC से विशाल श्रीवास्तव, नहीं, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नो, आई विल जस्ट, जयराम गिव मी अ सेकंड, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। माय आंसर टू योर क्वेश्चन वाज, दिस यात्रा इज एम्ड एट सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज अक्रॉस टू द कंट्री। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग other than completing this yatra and listening to the people of India while I'm walking this yatra. That's all I'm doing. Nothing else. I'm not thinking about Congress. I'm not thinking about organization. I'm not thinking about election. I'm not thinking about anything. This is, in my mind, this is tapasya. I'm not going to think about anything. This is my tapasya, in my mind,
to stand up for the idea of India that is being attacked and destroyed. IBC से वत्सल श्रीवास्तव. राहुल जी नमस्कार. 2018 में आपकी सरकार बनी यहाँ पे, 15 महीने के बाद वो सरकार चली गई. परिस्थितियाँ बदली सर इस स्टेट की पॉलिटिकल पूरी तरीके से, और जब आप हिंदी हार्टलैंड में आ रहे थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतना समर्थन या इतना उत्साह जो लोगों में मिला है आपको वैसा मिल पाएगा यहाँ पे? मैं केरला से निकला तो मेरी माइंड में था कि भाई केरला को अब कोई नहीं हरा सकता. मतलब ये जो रिस्पॉन्स मिला है केरला के बाद तो मिल ही नहीं सकता. महाराष्ट्र ने उनको गिरा दिया. और मैं सच बोलूं तो मुझे लग रहा है जो कल इंदौर में हुआ वो मैंने महाराष्ट्र भी में नहीं देखा. तो मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक रिस्पॉन्स मध्य प्रदेश में है वो बाकी स्टेटों से आगे है. ये मेरी फीलिंग है. और मध्य प्रदेश के लोगों के दिमाग में, माइंड में ये यात्रा बहुत गहरी घुस गई है. डीजियाना एक मिनट. नहीं 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 प्लीज, मैंने आपको बार बार समझाया, नो सप्लीमेंट्री. डीजियाना से अरविंद तिवारी जल्दी बोलिए. नहीं प्लीज बैठे प्लीज. राहुल जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज सप्लीमेंट्री मत लीजिएगा. ओके. अरविंद तिवारी. नमस्कार राहुल जी. मैं सुन लेता हूँ लोगों की बात सुन लेता हूँ, मेरा नेचर है. मध्य प्रदेश सातवां राज्य है जहां आप हैं, मगर अगर करना जरूरी होता तो कर भी देता हूँ. मध्य प्रदेश सातवां राज्य है जहां आप अभी हैं, और लगभग 2015 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके. 2000 इंदौर में थे आप और 15 किलोमीटर आज यात्रा. इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण कौन सा है, क्या आप वो हमसे शेयर करेंगे? इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण. बहुत सारे क्षण हैं. एक नहीं कह सकता हूं. ऐसी यात्रा पे कोई निकलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं की थी. छोटा काम नहीं है तो पहले निकलते हैं, पहले 5-10 दिन बाद पता लगता है कि भाई 3700 किलोमीटर चलने हैं. बीच में मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया. मेरी पुरानी इंजरी थी, पहले ठीक हो गई थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई. तो काफी मुझ में डिस्कम्फर्ट था, डर था कि भाई ये चल पाऊंगा या नहीं. और फिर आस्ते आस्ते उस डर का सामना किया कि भाई चलना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता. तो वैसे क्षण अच्छे होते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है और आपने उसको आप अडेप्ट कर गए तो अच्छा लगता है. एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा क्षण था क्योंकि बहुत सारे थे, मगर जो जब आपने सवाल पूछा वो ये क्षण याद आया कि मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे. धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है. तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं. ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं. तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था, एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम. तो वो आई और वो साइड में चल रही थी, मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी. मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी, मैंने नोटिस किया. फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए. तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसने कहा नहीं 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 आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं ये आप बाद में पढ़ना. तो फिर मैं चल रहा था, मैंने वो चली गई. फिर मैंने वो चिट्ठी थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है इसमें, क्योंकि
जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं। ये पहले आया माइंड में। राहुल जी अलग से उदाहरण बाद में दीजिएगा क्योंकि 10 मिनट। यस 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 यस। मध्य प्रदेश न्यूज से महेंद्र संगेरा। राहुल जी इसके बारे में एक किताब लिखेंगे, सब उदाहरण नहीं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे यात्रा में क्या क्या हो रहा है, मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ जयराम जी आपकी परमिशन से। तो एक एक तो चल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा किसी का दर्द होता है तो उसका सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि पेशेंस जो होती है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है। कि अगर मैं पहले 1-2 घंटे में इरिटेट हो जाता था, अब मैं 8 घंटे में इरिटेट नहीं होता हूं। नहीं, आप हंस रहे हो, मगर ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि अब मुझे यहां धक्का लग जाए, पीछे से खींच लिया, मुझे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पेशेंस है वो बढ़ रही है। और तीसरी बात है कि सुनने का तरीका बदल गया है। तो अब अगर कोई व्यक्ति आता है, जिस प्रकार से मैं उसकी आवाज को सुनता हूं उसका नेचर बदल गया है। मैं ज्यादा उसकी ओर से आवाज को सुनता हूं। मैं अपनी ओर से नहीं, मैं यहां से नहीं देखता हूं, मैं उधर से देखता हूं। तो ये मुझे लग रहा है काफी फायदेमंद चीजें हैं। राहुल जी, मेरा सवाल ये था कि आपने दो इश्यूज को रेस किया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, महंगाई और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के मामले में जब हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दे रहे हैं। यदि कांग्रेस के पास एक अवसर दिया जनता ने, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप उसको लागू करेंगे, ताकि सही मायनों में आज का जो युवा है, जो भटक रहा है, जो नौजवान है, उसको रोजगार मिल पाए? क्या फॉर्मूला कांग्रेस के पास है? सबसे पहले, ये जो बेरोजगारी है इसका सबसे बड़ा कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम्स, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल और मीडियम में है, ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज में नहीं है। साइज लार्ज में है बट ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल एंड मीडियम है, उसको आपने खत्म कर दिया है। और ये आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया वो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले जो ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। दूसरी बात, जो इस देश की का फाउंडेशन है, जो इस देश की नींव है, जो किसान है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं, वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डेवलप करना और इसकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, हमारी सोच इसके बारे में फर्क है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में
सरकार भाग ले कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी मतलब बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। वो जरूर अगर करना चाहे कर सकते हैं, बट जो मेन एजुकेशन का सिस्टम हो, जो मेन हेल्थ केयर का सिस्टम हो, उसमें सरकार जनता की मदद करे, सरकार जनता को सपोर्ट करे, इसका मतलब उसमें ज्यादा पैसा डाले, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। बट मेन फर्क, हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है, और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और एक दो साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जैसे उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है, और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। थैंक यू। आपने कहा मैडम प्लीज मैं मौका दूंगा, आप बैठे रहिए प्लीज। मैं नियम अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहा हूं, सबको मौका दे रहा हूं। राहुल जी विस्तार से जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी आपकी अनुमति से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और 5-7 मिनट और बढ़ा दें, क्योंकि 8-9 और सवाल पूछने वाले हैं। जल्दी से जल्द अगर आपका आपके जवाब संक्षिप्त होंगे तो हो तीन सवाल ले लीजिए। ठीक है, पीटीआई से मनीष श्रीवास्तव। देखिए कांग्रेस पार्टी का कॉम्प्रोमाइज देखा आपने? नमस्कार। ये वहां नहीं होता, सबसे पहले वहां पे तो सवाल एक भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है। नमस्कार राहुल जी। राहुल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको भी पता है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूँ, कि दिल्ली पे सत्ता का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, और मोदी जी भी इस बात को समझे और वो वाराणसी गए चुनाव लड़ने और वहाँ से कंसोलिडेट की पोजीशन और वहाँ पहुँचे। माय क्वेश्चन इज इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी विल यू बी कंटेस्टिंग अगेन फ्रॉम अमेठी? सी वंस अगेन दीज आर ऑल अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन आइडिया। You want to write, you want the newspapers tomorrow to say either Rahul Gandhi contests from Amethi or Rahul Gandhi does not contest from Amethi. I want the newspapers to say Bharat Jodo Yatra, the ideas of Bharat Jodo Yatra, the philosophy behind Bharat Jodo Yatra. So the answer to your question will come maybe in a year or year and a half. मध्य प्रदेश स्थित पत्रकारों से मैंने 10 सवाल लिए हैं, माफ कीजिएगा और 2-3 सवाल नहीं ले सकता हूं। मैं अभी दिल्ली स्थित पत्रकारों से सवाल लूंगा। राहुल जी ने वादा किया था News 24 को कि तेलंगाना में आए थे, उनको मौका नहीं मिला। रमन झा आपको कहा था राहुल जी ने कि आप यहां पूछ सकते हैं। मैडम प्लीज बैठ जाइए प्लीज, इसके बाद पूछेगा प्लीज। अगर आपको सवाल पूछना है चलिए राहुल जी के साथ, दोपहर को चलिए उनके साथ। अच्छा, आपका प्रॉमिस किया था मैंने, फुलफिल हो गया। राहुल जी यात्रा 5 तारीख को राजस्थान पहुंचेगी और राजस्थान में जो राजनीतिक हालात है वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
सुप्रिया भारद्वाज आज तक? सर मेरा सवाल यह है कि आपने जब भट्टा पर्सोल से शुरुआत करी थी तब से जो है आप पे पर्सनल टैक्स होते जा रहे हैं, और जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है आप कह रहे हैं सब आए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम तो पूरा भारत जोड़ने आए हैं, कभी आपकी शर्ट को, कभी आपके कंटेनर्स को लेके, अब तो बात बियर्ड से लेके और भी चीज़ों तक पहुंच चुके हैं, इसको जो लगातार हमला हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली उस समय जब आप कह रहे हैं कि सभी लोग आए नॉन पॉलिटिकल है, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिग्रेसली कंटिन्यूसली हर चीज पे जो है माइन्यूटली नहीं बल्कि मैसिव लेवल पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़े तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैं अभी मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं, और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि यह मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है, और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनुवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं, आप देखना। क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल टैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा, अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है, लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूं, तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। मोहित दुबे, न्यूज नेशन। हेलो राहुल जी, मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूं। लगातार आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम नफरत खत्म करेंगे, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम एकता की बात कर रहे हैं, अनेकता की बात कर रहे हैं, वो कॉमन सिविल कोड गुजरात विधानसभा चुनाव में लेकर आ रहे हैं, इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लेकर आए, कितना बड़ा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? उनको जो करना है उनको करना है, हमें जो करना है हमें करना है। हमारा डायरेक्शन क्लियर है, उनका डायरेक्शन क्लियर है, हम जानते हैं हमें क्या करना है, किन किन लोगों की मदद करनी है, किन की रक्षा करनी है, हम जानते हैं, ठीक है। और हम अपना काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा, ANI। सर आप तमिलनाडु से शुरुआत करी और आप मध्य प्रदेश तक आ गए, लगभग काफी लंबा यात्रा का आपने तय कर ली है, सेंस क्या लगी है आपको इस यात्रा से? राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की? क्योंकि जब से आपने भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया।
सर आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा। सर सर सवाल यही है नहीं, कि जो आपका सिद्धार्थ आपका जवाब मिल गया है, सवाल आपका जवाब मिल गया, सवाल तो पूछ ही नहीं पाया था। नहीं, नहीं, सवाल पूछे, पूछे। सोहेल हमीद, ये जो मास कनेक्ट प्रोग्राम है ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? चीजें समय से ही होती है, जिस जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग एक साल पहले की थी, और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। आखिरी सवाल सोहेल हमीद, दैनिक हिंदुस्तान। यादव राहुल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जैसा उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कितने बदले हैं, तो मैं यही सवाल पूछना आपसे चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके इस यात्रा के बाद? नहीं देखिए, हर जीव बस बदलता ही रहता है। सिर्फ आरएसएस के लोग सोचते हैं कि जीव बदलता नहीं है, मगर अगर आप देखें तो हर जीव सीखता है, बदलता है, समझता है, नहीं समझता है, तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है, इसको इम्परमानेंस कहते हैं। राहुल जी, 40 मिनट में आपने 17 सवाल लिए हैं, कुछ लोग 17 सालों में एक सवाल भी। अभी अभी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा नहीं 17 अनलकी है, 18 करो। अभी सवाल का वक्त हो चुका है, प्लीज अभी सवाल जवाब का वक्त हो चुका है। राहुल जी को पद यात्रा शुरू करना है दोपहर को, अभी यहाँ आपके साथ एक फोटो लेंगे। राहुल जी आप यहाँ आ जाइए, फोटो लीजिए।